क्या मुसलमानों की नमाज का किसी हिंदू देवता से है कोई कनेक्शन? क्या नमाज शब्द सनातन धर्म से लिया गया है? क्या होता है नमाज शब्द का अर्थ? क्या इस्लाम का कोई कनेक्शन हिंदू धर्म से भी है? दोस्तों, हम पूरी दुनिया में मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखते हैं। इस्लाम के अनुसार रोज 5 वक्त की नमाज अता करना उनके धर्म के लिए सबसे जरूरी है। इस्लाम के अनुसार नमाज के जरिए वो अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पवित्र कुरान शरीफ ग्रंथ में कहीं भी नमाज शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है? जिसे हम मुसलमान नमाज कहते हैं, उसके लिए पवित्र कुरान शरीफ में सलह या सलात शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना करना। जबकि नमाज शब्द दो संस्कृत शब्दों नमः और अज से मिलकर बना है। नमः का अर्थ ही होता है नमन करना या किसी के आगे झुकना। अज शब्द के कई अर्थों में से एक अर्थ होता है अजन्मा, यानी जिसका जन्म नहीं हुआ हो और जो आदि और अजन्मा हो। तो नमाज शब्द को अगर संस्कृत भाषा से समझा जाए तो इसका अर्थ होता है उस आदि और अजन्मे के सामने झुकना या समर्पण करना। अजन्मा सिर्फ ईश्वर ही है, बाकी सब प्राणियों का कभी ना कभी जन्म होता है और वो कभी ना कभी मरते हैं। तो नमाज शब्द को अगर ठीक से समझा जाए तो इसका अर्थ होता है उसके सामने झुकना जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हो, यानी ईश्वर के सामने झुकना। जैसा कि हमने आपको बताया कि पवित्र कुरान शरीफ में कहीं भी नमाज शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है और इसके लिए सलात शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है ईश्वर की प्रार्थना करना। तो फिर नमाज शब्द का प्रयोग कब से शुरू हुआ और इसका संस्कृत से क्या संबंध है? इसे अगर आप जान लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म क्यों विश्व का सबसे पुराना धर्म है और क्यों विश्व के सारे धर्मों पर इसके विचारों की छाप पड़ी है। दरअसल नमाज शब्द का प्रयोग सलात के स्थान पर पहली बार ईरान में शुरू हुआ। जब इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश में हुई तो उसका प्रसार पूरी दुनिया में शुरू हुआ और वो अरब देशों से होते हुए ईरान भी आ पहुंचा। उस वक्त ईरान में पारसी धर्म का प्रसार था, जो हिंदू या सनातन वैदिक धर्म से काफी हद तक मिलता जुलता था। ईरान में जो पारसी धर्म था उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम अवेस्ता है। अवेस्ता में उन्हीं देवी देवताओं का जिक्र आता है जो हमारे सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में बताए गए हैं, जैसे इंद्र, वरुण, नास्तेव यानी अश्विनी कुमार और सूर्य और अग्नि आदि। कुछ वर्षों पहले इजिप्ट और सीरिया में हुई खुदाइयों में भी ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिनमें ऋग्वैदिक देवी देवताओं की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सीरिया में मिले एक शिलापट्ट में इंद्र, वरुण, अश्विनी कुमारों के नाम मिलते हैं। जब सीरिया और इजिप्ट तक में सनातन हिंदू धर्म का प्रसार था और उन देवी देवताओं की पूजा होती थी तो फिर अरब तो भारत और इजिप्ट के ठीक बीचों बीच ही पड़ता है, तो ऐसे में उन इलाकों में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा और परंपराओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान और भारत के बीच तो हजारों सालों से धार्मिक रिश्ते रहे हैं। पारसी धर्म में भी अग्नि की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में भी बिना अग्नि के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जब इस्लाम की शुरुआत अरब देश में हुई तो उससे पहले भी पवित्र मक्का के पवित्र काबा में मूर्तियां रखी हुई थी। कहा जाता है कि करीब 360 मूर्तियों को पवित्र काबा में रखा गया था और उन इलाकों के कबीले इन मूर्तियों की पूजा भी करते थे। काबा में जिन मूर्तियों की पूजा की जाती थी उनमें कुछ देवियां भी थी जिनकी तुलना माता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जी से की जाती है। लेकिन इस्लाम के शुरू होते ही उन मूर्तियों को तोड़ डाला गया और वहाँ निराकार ईश्वर अल्लाह की बंदगी शुरू हो गई। हालांकि सनातन धर्म में भी निराकार ब्रह्म की उपासना की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन इन मूर्तियों को तोड़ने के बाद वहाँ की धार्मिक परंपराओं में बहुत कुछ ऐसा बचा रहा जो सनातन धर्म में आज भी प्रचलित है। जब इस्लाम का आगमन फारस या ईरान में हुआ तो उस वक्त ईरान में अवेस्ता ग्रंथ में वर्णित देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिन्हें ऋग्वेद के ऋषि भी पूजते थे। ईरान की भाषा और संस्कृत दोनों ही एक जैसी भाषाएं भी थी, इसलिए आप देखेंगे कि संस्कृत के कई शब्द हेरफेर के साथ ईरान होते हुए अरब और फिर यूरोप पहुंचे और दूसरी भाषाओं में उनका उपयोग किया जाने लगा। जैसे अंग्रेजी का मदर शब्द संस्कृत के मातृ शब्द से बना है और ये मातृ से ईरानी भाषा में मादर कहा गया। तो इसी प्रकार ईरान के पारसियों के द्वारा बोली जाने वाली फारसी भाषा में नमाज शब्द का प्रयोग इस्लाम के लिए पहले से ही हो रहा है। जब पारसी प्रार्थना करते थे तो वो इसके लिए नमाज शब्द का प्रयोग करते थे, जो संस्कृत के दो शब्दों
नमः और अज से मिलकर बना हुआ है। जब इस्लाम ईरान तक पहुंचा तो वहां के लोगों ने इस्लाम तो अपना लिया, लेकिन प्रार्थना के लिए सलात की जगह उन्होंने नमाज शब्द का ही इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद से ही ईरान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों में सलात की जगह संस्कृत शब्द नमाज को ही इस्तेमाल किया जाने लगा। हमने शुरू में ही प्रश्न किया था कि क्या नमाज का कोई संबंध ब्रह्मा जी से भी है, तो आप गौर करेंगे कि अल्लाह को सृष्टि का रचयिता माना जाता है और सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। संस्कृत में ब्रह्मा जी के लिए भी अज शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चाहे वो ब्रह्मा जी हों या फिर अल्लाह, दोनों सृष्टि के रचयिता ही हैं। इसलिए नमाज शब्द का मूल अर्थ नम यानी नमन करना और अज यानी ब्रह्मा जी को अगर हम लें तो इसका एक अर्थ होता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का नमन करना ही नमाज है। दोस्तों, सनातन धर्म संसार का सबसे पुराना धर्म है, तो जाहिर है इसके देवी देवता भी सबसे प्राचीन हैं, और नमाज शब्द अगर संस्कृत शब्द से बना है तो इसका एक अर्थ ब्रह्मा जी की पूजा करना पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज शब्द का प्रयोग तब से हो रहा है जब इस्लाम की शुरुआत भी नहीं हुई थी। हाँ, इस्लाम धर्म को मानने वालों ने ईरान आने के बाद इस नमाज शब्द का प्रयोग अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। हो सकता है कि उन्हें ये लगा हो कि चूंकि ये सृष्टि के रचयिता के नमन के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द है, तो वो अल्लाह की इबादत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को जरूर देखा करें। अगर आप बेल आइकन का बटन भी दबा देंगे तो आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाले वीडियोस की जानकारी वक्त वक्त पर मिलती रहेगी। जय सनातन।